पति इब्राहिम रईसी की मौत की ऑफिशियल जांच शुरू हो गई है। इस बीच दुनिया भर में एक थ्योरी चल रही है कि रईसी की मौत में इजराइल का हाथ है। हालांकि इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने इससे साफ इनकार किया है। बावजूद इसके इराक और इजराइल के बीच तनाव को देखते हुए कई एक्सपर्ट अब भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि रईसी की मौत की वजह इजराइल हो। तारीख 19 मई, समय शाम 7 बजे, जगह वज़ीरिस्तान ईरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश। ये वही जगह है जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ मानी जाती है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोसाद ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी को मरवा डाला। इजराइल ईरान के बीच के तनाव को देखते हुए यह शंका बहुत सहज है और इसकी डिटेल में पड़ताल बहुत जरूरी है। लेकिन पहले ईरान की सड़कों पर रईसी को अलविदा कहने उतरी भीड़ को देखिए। उदास चेहरे और आंखों में आंसू देखिए। हजारों लोग रईसी को श्रद्धांजलि देने उनका पार्थिव शरीर ले जाते ट्रक के पीछे पीछे जाते देखे। रईसी ईरान के सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि हाल के समय में ईरान को एक मजबूत देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने वाले नेता भी थे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल ने रईसी को मरवा दिया। ईरान उन देशों में शामिल है जिसने इजराइल के अस्तित्व को हर दम चुनौती दी है। मुस्लिम देशों में ईरान नंबर 1 है, जो इजराइल के लिए परेशानी का कारण रहा है। लिहाजा रईसी की मौत की सुई स्वाभाविक रूप से इजराइल की ओर मुड़ती है। यहाँ हम शक के उन 6 कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जिसके तहत कहा जा रहा है कि रईसी की मौत में इजराइल का हाथ है। शक की वजह नंबर 1, इजराइल ईरान का दुश्मनी वाला रिश्ता। दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर तकनीक के सहारे जमीन दोज कर दिया गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। दूसरी ओर कारण यह भी गिनाया जा रहा है कि पिछले 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इसराइल पर किए गए हमले में भी ईरान का हाथ होने की बात कही गई थी और इसी का इसराइल ने बदला लिया है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इसराइल के एक बड़े अधिकारी ने इसका खंडन किया है। शक की वजह नंबर 2, इजराइल विरोधियों को ईरान का समर्थन। आतंकी संगठन हिजबुल्ला हो या यमन के हूथी विद्रोही या फिर हमास, ईरान इजराइल के खिलाफ इन सारे संगठनों को समर्थन देता रहा है। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है, इसीलिए रईसी को इजराइल ने मरवाया होगा, लेकिन ये महज कयास है। शक की वजह नंबर 3, अजरबैजान के करीब हादसा। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल इसलिए भी गहरा है क्योंकि हादसे वाली जगह अजरबैजान के करीब है और इत्तेफाक से अजरबैजान के इजराइल के अच्छे रिश्ते हैं। सच पूछिए तो मुस्लिम देशों में सिर्फ अजरबैजान है जिसके रिश्ते इजराइल से अच्छे रहे हैं। अजरबैजान की आर्मेनिया से दुश्मनी है और ईरान आर्मेनिया का समर्थन करता रहा है। शक की वजह नंबर 4, इजराइल का टारगेट ईरान। एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल ईरान में मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट पर लेने की कोशिश करता रहा है। इसका कारण ईरान का इजराइल के प्रति रवैया है, जो इजराइल के बारे में कहता है कि अरबों की जमीन पर यहूदी देश होने का क्या मतलब है। लेकिन देखने वाली बात है कि रईसी की मौत की साजिश में हाथ होने का मतलब इजराइल का सीधे ईरान के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा और इजराइल ऐसा नहीं चाहेगा। शक की वजह नंबर 5, 3 में से सिर्फ 1 रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश।
सवाल उठ रहे हैं, जब मौसम खराब था तो रईसी के काफिले में शामिल 3 हेलीकॉप्टरों में से 2 कैसे बच गए और सिर्फ रईसी वाला हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि मौसम उड़ान के अनुकूल नहीं था, तो रईसी को 150 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से क्यों नहीं ले जाया गया। जाहिर है इन सवालों का जवाब जाँच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा। शक की वजह नंबर 6, इजराइल की अप्रैल वाली एयर स्ट्राइक। अप्रैल महीने में सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल की ओर से किए गए एक हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा समेत एक अफसर की मौत हो गई थी। ईरान का गुस्सा इसके बाद चरम पर था, जिसका जवाब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग कर दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल ने अब तक इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया है। इसीलिए शंका जताई जा रही है कि अपने सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन के अंत के लिए इजराइल ने खुफिया एजेंसी मोसाद का इस्तेमाल किया और रईसी का काम तमाम कर दिया। लेकिन ये सारे शक सिर्फ शक ही हैं। जब तक क्रैश होने की असली वजह का पता नहीं चल जाता, इजराइल के हाथ नहीं होने के कारण भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं कहा जा सकता। इन सबके बीच रईसी के लिए ईरान में लोग ही लोग उमड़े हैं।